Hey guys, this is me Hassan and you are watching my channel Tech for Hassan. एमएस एक्सेल के नामी क्लास में दोस्तों मैं आपको वेलकम करता हूं। सबसे पहले हम एमएस एक्सेल को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों हम थे डेटा में गए। डेटा में थे, हमने आपको कहा था कि पिछले लेक्चर में हम आपको डेटा वैलिडेशन के बारे में बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलें जी हम इसे शुरू करते हैं। दोस्तों हम यहाँ से कोई रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैंने तकरीबन 8 सेल की रेंज या 6 सेल की, आप जितनी भी चाहें वो रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर डाटा वैलिडेशन में मुख्य ऑप्शन है। डाटा वैलिडेशन है, सर्कल इनवैलिड डाटा और क्लियर वैलिडेशन सर्कल है। दोस्तों इनके बारे में हम करते हैं, यहाँ पर हम आएँगे ये जो हमने रेंज सेलेक्ट की है। यहाँ पर दोस्तों हम कोई वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे मैंने वैल्यू पुट की 4545। ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू जैसे ही मैंने पुट की है, मैं दोस्तों इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये तकरीबन मेरे 6 सेल बनते हैं दोस्तों। इनमें से 2 सेल मैंने खाली छोड़े हुए हैं, ये दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं जाऊँगा इसे सिलेक्ट करने के बाद डाटा वैलिडेशन पे, और यहाँ मैं डाटा वैलिडेशन पे जाके क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा दोस्तों, मेरे पास डाटा वैलिडेशन की एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें सबसे पहले ऑप्शन है हमारे पास सेटिंग। सेटिंग में दोस्तों वैलिडेशन क्राइटेरिया, वैलिडेशन क्राइटेरिया में दोस्तों ये होता है कि हमने अगर कोई चीज़ दी है, जो इसमें कोई चीज़ दूंगा तो कोई और इसमें कितना एडिटिंग कर सकता है या अदरवाइज ना कर सके। दोस्तों यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट है एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट की जा सकती है इन खाली जो सेल हैं, लेकिन हम इसे आप इसे मैं होल नंबर कर देता हूँ। होल नंबर के बाद दोस्तों हमारे पास है डेटा। डेटा में हम बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, दोस्तों हम इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बिटवीन का मतलब है इसके बराबर दरमियान हो, ना इनके दरमियान ना हो, इक्वल बराबर हो, ना इनके बराबर ना हो, बड़ा हो छोटा हो, इनसे बड़ा हो या बराबर, इस तरह दोस्तों ये मुख्य ऑप्शन है। लेस देन छोटा हो या बराबर हो, दोस्तों आप इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसे बिटवीन करता हूँ। बिटवीन के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ, मिनिमम कितनी वैल्यू इसके अंदर लिखी जा सकती है वो मैं 1 दे देता हूँ, और मैक्सिमम दोस्तों मैं कहता हूँ कि 10 से ज़्यादा इसमें नहीं लिखी जा सकती। उसके बाद मैं दोस्तों ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैं ओके करूँगा दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको आके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं आया खाली सेल में दोस्तों, मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ। जैसे मैं 15 वैल्यू पुट करता हूँ, मैं 15 वैल्यू पुट करते ही दोस्तों मैं जैसे ही मैं साइड पे कर्सर को क्लिक करूँगा जाके साइड वाले सेल पे या कहीं और पे, तो ये मुझे एरर दे देगा कि द वैल्यू यू इंटर इज नॉट वैलिड, अ यूज़र हैज़ रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू दैट कैन बी इंटर इनटू द सेल। दोस्तों यहाँ पे उसने सख्ती लगाई हुई है कि हम इसमें ये वैल्यू नहीं पुट कर सकते। हम कोई छोटी वैल्यू पुट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 5 वैल्यू पुट की। 1 से 10 तक मैंने वैल्यू पुट की थी कि हम इसके अंदर अंदर इसमें पुट लिख सकते हैं। दोस्तों मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा, ये देखते हैं ये इसके लिए काबिल कबूल है। यहाँ पे दोस्तों इसी तरह मैं कुछ और लिखता हूँ 10 से ज़्यादा, तो वो उसे एरर दे देगा, लेकिन मैं 1 लिखता हूँ या 2 लिखता हूँ, जो भी आपको अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं 6 लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये काबिल कबूल है उसके लिए। उसके बाद दोस्तों आपको पता होगा कि ये जो मैंने जब मैं रेंज बना रहा था इसकी, तो मैंने कुछ वैल्यू पहले से दी हुई थी, 4545 4545, ये वाली वैल्यू मैंने आपको समझाने के लिए पहले से दी थी दोस्तों। अब इन्हें मैं आपको दिखाता हूँ। मैं डाटा वैलिडेशन पे आऊँगा। डाटा वैलिडेशन पे आने के बाद मैं सर्कल डाटा, सर्कल इनवैलिड डाटा पे जैसे ही क्लिक करूँगा दोस्तों, ये मुझे सर्कल इनवैलिड डाटा करके दिखा रहा है कि ये जो आपने वैल्यू दी थी ये आपके क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है, आप इन्हें ठीक करें। ठीक है दोस्तों, ये मैंने जो क्राइटेरिया वहाँ पे दिया था 1 से 10, ये उसके मुताबिक नहीं है, आप इन्हें ठीक करें दोस्तों। उसके बाद है, हम अगर इन सर्कल को हटाना चाहते हैं तो हम क्लियर वैलिडेशन सर्कल पे क्लिक करेंगे तो ये सर्कल हट जाएंगे, और अगर हम इन्हें लगाना चाहते हैं तो ये इस तरह लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमें बता रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हम इसे क्लियर करते हैं। क्लियर के बाद दोस्तों हम आते हैं डाटा। दोस्तों ये जो सेल है मैंने इन्हें ख़त्म करता हूँ। इनमें वैल्यू जो मैंने दी थी
वैल्यू में ख़त्म करने के बाद दोस्तों क्या करता हूँ, दोस्तों ये कुछ एरिया मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों मैं डाटा वैलिडेशन पे आता हूँ। डाटा वैलिडेशन पे आने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैसेज। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ये जी रिस्ट्रिक्टेड एरिया, सख्ती यहाँ पे लगी हुई है। टाइटल मैं इसका देता हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज पर्सनल एरिया। ये लिखने के बाद मैं ओके कर देता हूँ दोस्तों। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आके क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये नीचे हमें मैसेज दे रहा है रिस्ट्रिक्टेड, यहाँ पे सख्ती लग गई है, ये एक पर्सनल एरिया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, दोबारा ही सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम डाटा वैलिडेशन में आते हैं। डाटा वैलिडेशन में हम आते हैं एरर अलर्ट पे। दोस्तों जैसे हम इसमें वैल्यू पुट करते थे, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैं वैल्यू कोई पुट करता था 15, तो जैसे ही मैं ऊपर लेके जाता ये एरर मुझे देता था। ये एरर में जो सा दोस्तों इसका टाइटल है और इसके बाद जो इसका मैसेज है और यहाँ पे जो इसका साइन है, ये हम चेंज कर सकते हैं दोस्तों मैसेज वगैरह। वो कैसे करते हैं दोस्तों, हम इसे कैंसिल करते हैं, हम इसे यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम डाटा वैलिडेशन में आते हैं। डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद हम एरर अलर्ट पे आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम स्टाइल चूज करते हैं, यहाँ पे हम वार्निंग वाला भी स्टाइल दे सकते हैं या हम इंफॉर्मेशन वाला भी। हम यहाँ पे देते हैं दोस्तों वार्निंग या स्टॉप ही रहने देते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम लिख देते हैं डू नॉट राइट WRITE दिस एरिया इज रिस्ट्रिक्टेड यू कैन नॉट राइट। ठीक है दोस्तों, ये लिखने के बाद हम ओके कर देंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे दोस्तों हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू लिखता हूँ। अब 10 से ऊपर जो मैंने मैक्सिमम रेंज दी थी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12। मैं 12 लिखने के बाद दोस्तों साइड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें ये जो एरर दे रहा है वहाँ पे जो मैंने टाइटल और इसका मैसेज दिया था और जो साइन दिया था वो हमें बता रहा है डू नॉट राइट दिस एरिया इज रिस्ट्रिक्टेड यू कैन नॉट राइट। दोस्तों इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है, हम इसे रिस्ट्रिक्टेड करते हैं। मैं दोबारा डाटा वैलिडेशन में गया, डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद मैं आता हूँ इसमें, ये ख़त्म किया दोस्तों। अब ठीक है दोस्तों, ओके करता हूँ। ये दोबारा से मैं 12 लिखता हूँ, ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये अब जो दे रहा है रिस्ट्रिक्टेड यू कैन नॉट राइट, ये ठीक है। ठीक है दोस्तों, इस तरह आप चेंजिंग भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके इलम में कुछ ना कुछ इजाफा ज़रूर हुआ होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टेक फॉर हसन, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।